है और आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल सोनू योने व्लॉग। तो आपका सबसे पहले इसलिए आए होंगे कि आपको नया मोबाइल लेना है, और मैं आपको बता दूँ 5G मोबाइल 20,000 से ऊपर में ही अभी मिल रहा है। तो 2021 में तक 2021 तक 5G नए नए 5G फोन लॉन्च हो सकते हैं। मैंने वेबसाइट में जाके सर्च करना स्टार्ट किया और देखा 5G फ़ोन कौन से हो सकते हैं। तो मुझे रियलमी, ऑक्समी और मोटोरोला और वन प्लस ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में पता चला। तो हम एक एक करके उनका देखेंगे कि क्या फीचर्स है और उसमें क्या क्या फीचर्स आपको दिया जा रहा है। तो सबसे पहले बात, हाँ, जब मोबाइल सर्च करना स्टार्ट किया, मुझे एक वेबसाइट मिला जिसका नाम है स्मार्ट ब्रिक्स। स्पॉन्सर्ड नहीं है, पर मैंने देखा वेबसाइट में, तो उन्होंने अपकमिंग में दिया है। तो वहाँ से मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ और आपको एक एक करके उनका डिस्प्ले करके उसका डिस्क्रिप्शन बताता हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोबाइल में आ चुका हूँ, तो मैं वीडियो स्क्रीन में आ चुका हूँ दोस्तों, और आप देख सकते हो कि डुअल ये ऑक्समिक रेडमी का नोट 9, ऑक्समी रेडमी नोट 9 5G फ़ोन है जो 14,590 रुपये में आने वाला है। और इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डुअल सिम 3G 4G 5G एंड वाईफाई आईआर ब्लास्टर, पता नहीं ये क्या है, पर आप देख सकते हो इसमें 6GB रैम है और इनबुल्ट 128GB इनबुल्ट मेमोरी है, 5000mAh की बैटरी है और 48 कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल कैमरा रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल है। मेमोरी कार्ड सपोर्टेड है और एंड्रॉयड 10 पे रन करती है। यही सेकंड नंबर वाली जो मोबाइल है हमारे पास रियलमी Q2 है, 13,999 रुपये प्राइस में आता है और ये डुअल सिम 3G 4G 5G विथ 5G के साथ आता है। डायमेंसिटी की बात करें तो 800U ओक्टा कोर 2.4 GHz प्रोसेसर है इसमें और 4GB रैम और 128GB इनबुल्ट इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है और 5000mAh की बैटरी 5000mAh बैटरी के साथ आ रहा है। और कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा प्लस 8+2 मेगापिक्सल का कैमरा है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको यहाँ पे 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिल जाता है। और तीसरे मोबाइल की बात करें तो रियलमी X7 Pro जो कीमत बताया जा रहा है 22,990 रुपये का, जो जिसमें आपको 5G के साथ ओल्टी NFC और रैम की बात करें तो 6GB रैम 128GB इनबुल्ट और 145mAh की बैटरी और इसमें दिया जाता है और इसमें 64 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल का मिल सकता है। इसके आगे हम आते हैं ओप्पो K7X 5G, तो इसमें देख सकते हो आप इसमें 720 ऑक्टा कोर 2 GHz प्रोसेसर है और ये 3G 4G 5G सपोर्टेड है, 6GB रैम है, 128GB इनबिल्ट इंटरनल स्टोरेज है, 5000mAh की बैटरी है, 48 मेगापिक्सल कैमरा और 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और एंड्रॉयड 10 में V10 पे काम कर रहा है, रन करता है। आगे हम बात करते हैं वन प्लस नोट 10 की, ये 25,990 है अभी, ये शायद एक बार सेल होते जा रहा है, अपकमिंग भी है। 6GB रैम है इसका, 5G है, ऑक्टाकोर 690 ऑक्टाकोर और आप इसमें 6GB रैम देख सकते हो, 128GB इंटरनल मेमोरी, 4300mAh की बैटरी है और 64 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, क्वाड रियर कैमरा और फ्रंट आप देख सकते हो 16 मेगापिक्सल कैमरा और सपोर्टेड 256GB तक मेमोरी सपोर्ट होता है। ये भी एंड्रॉयड 10 पे काम कर
रन करता है। रियलमी वी 5G 17,990 के बजट पे आपको अपकमिंग जो फ़ोन है वो आने वाला है, जिसमें 6GB रैम, 128GB एनबल्ट मेमोरी और ऑक्टाकोर 720 के साथ 2GHz प्रोसेसर है और 5000mAh की बैटरी है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 48MP कैमरा प्लस फ्रंट 16MP वाला कैमरा है। मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है। आगे हम आते हैं मोटोरोला मोटो जी 5 जो अभी लॉन्च होने वाला है और डुअल सिम के साथ 5G सपोर्टेड है, प्लस स्नैपड्रैगन 750G ऑक्टा कोर 2.2GHz प्रोसेसर, 6GB रैम है इसमें और 128GB इंटरनल मेमोरी और 5000mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग के साथ आता है और आएगा और 48MP के साथ प्लस 2MP ट्रिपल कैमरा विथ 16MP फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है दोस्तों। आगे अगर मेमोरी कार्ड सपोर्टेड की बात करें तो 1TB तक सपोर्ट हो सकता है और एंड्रॉयड 10 पे काम करता है ये भी। अब इसके बाद जो लास्ट मोबाइल है वीवो V20 प्रो जो 29,990 रुपये का है दोस्तों, और यह मोबाइल काफ़ी महंगा है। आप अगर इस चीज़ को भी खरीद सकते हो तो खरीद सकते हैं। 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ 4000mAh की बैटरी तथा फास्ट चार्जिंग के साथ 64MP प्लस 8+2 ट्रिपल रियल और एंड यहाँ पे आपको 44MP प्लस 8MP का फ्रंट कैमरा के साथ आपको वीवो V20 प्रो मिल रहा है दोस्तों। तो इसी के साथ सारे फोन्स ख़त्म हो चुके हैं, तो हम इस फोन को यहीं पे विराम देते हैं अब।